बहुत उत्साहित हूँ क्योंकि आज का जो विषय है अमूमन इस तरीके के जो वचन हैं, जो टॉपिक्स हैं, वो बहुत कम यूज किए जाते हैं, बहुत कम लोग प्रचार करते हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने बहुत ही कम सुना है कि जिस टॉपिक पर आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही समझने के लायक है, बहुत ही समझ। हम उन्हीं टॉपिक को सुनते हैं जिसमें कि हमारे आशीषों के बारे में बताया जाता है, जिसमें कि यीशु मसीह का हमारे जीवन में क्या काम है वो बताया जाता है, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि परमेश्वर ने हमें अद्भुत स्वर्गीय सामर्थ्य और हमें स्वर्गीय अधिकार दिया है। यानी कि हमें क्या मिला है, हमें यीशु से क्या मिला है और क्या मिलने वाला है, हम कैसा जीवन बिताएं कि हमें ऐसा आशीष मिलेगा। एक तो हम ये तरीके के वचन सुनते हैं और अच्छे भी होते हैं वचन, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आपको इस विचार के बारे में, इस रहस्य के बारे में बताऊं, इस भेद के बारे में बताऊं जो दुष्ट आत्माओं के अंदर था, जो यीशु मसीह ने धरती पर आकर मनुष्य का पुत्र बनकर उसको पूर्ण किया। हालेलुया। बहुत कम लोग इस चीज का प्रचार करते हैं। मैं अगर फिर बोलूंगा कि मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं बहुत दीन हूं, लेकिन बहुत जरूरी है कि हम ये भी प्रचार सुने, हम इस तरीके का प्रचार भी जाने, हम समझे, क्योंकि हमें परमेश्वर के मुख से निकला हुआ परमेश्वर की योजनाओं को, परमेश्वर के विचारों को, उसकी वाचा को, उसके मन की क्या योजना है, इन सभी चीजों को जानना जरूरी है। सिर्फ हम अपने बारे में जान लें, सिर्फ हम अपने बारे में समझे कि नहीं मेरे जीवन में क्या होने वाला, प्रॉब्लम यही आती है कि जब हम अपने ही बारे में सोचते रहते हैं तब हम परमेश्वर का काम नहीं कर पाते, हम उसके सहकर्मी हैं। मैं आपको फिर बता दूं कि परमेश्वर ने हमें क्यों चुना है, क्योंकि धरती पर हमें अधिकार है परमेश्वर का काम करने के लिए, इसलिए हम उसके सहकर्मी हैं, और इसको समझना बहुत 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 जरूरी है। जैसे आपने टाइटल पढ़ा होगा, आपने टाइटल देखा होगा कि दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के अधिकारों को चुनौती देती थीं। क्यों? उस समय यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का पुत्र था, उसके अधिकारों को चुनौती देती थी। आज हम इस बारे में समझेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आप बाइबल को समझना चाहते हैं, अगर आप प्रभु को समझना चाहते हैं, अगर आप यीशु मसीह के कार्यों को जानना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की योजनाओं को समझना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर ने किस तरीके से यीशु मसीह ने क्या क्या काम किए और कैसे परमेश्वर की योजनाओं को पूरा किया, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि दुष्ट आत्माएं क्यों यीशु मसीह के अधिकारों को चुनौती देती थीं। ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि शैतान हमारे अधिकार को भी चुनौती देता है। आप नहीं समझ रहे, आज हमारी जो स्थिति है, आज हमारी स्थिति प्रॉब्लम क्यों, हम मसीह होने के बाद भी अकेले हैं, हम मसीह होने के बाद भी आनंदित नहीं है, हम मसीह होने के बाद भी हमारे अंदर प्रेम नहीं है, शांति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उस अधिकार का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि शैतान हमें उस अधिकार का उपयोग करने नहीं दे रहा है। हालेलुया। शैतान हमें उस अधिकार का उपयोग करने नहीं दे रहा। शैतान आज भी हमें चुनौती देता है, लेकिन उसका तरीका अलग है। उस समय उसका तरीका अलग था, 2020 साल पहले उसका तरीका अलग था और आज उसका तरीका अलग है। तो मैं इस पूरी बातों पर आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आप ये जाने कि यीशु मसीह ने मनुष्य का पुत्र बनकर कैसे जीवन जिया, कैसे उन अधिकारों का उपयोग किया जो शैतान ने यीशु से, जो आदम से चुरा लिए थे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए उसके लिए वचन पढ़ते हैं, क्योंकि शैतान ने उस अधिकार को चुरा लिया था जो आदम का था, और उस अधिकार को लिए वो तब से तकरीबन 6000 वर्ष से वो उस अधिकार को लेकर धरती पर राज्य कर रहा है, और धरती पर वो अपना कुशासन, अपने पाप को लेकर आ रहा है। हालेलुया, और सबको भरमा रहा है।
यीशु मसीह धरती पर क्यों आए? ताकि शैतान के पापों को प्रकट कर सकें, शैतान के कामों को प्रकट कर सकें। हालेलुया। अब मैं आपके लिए एक वचन पढ़ूंगा, ध्यान दीजिएगा उस वचन को और समझने की कोशिश करिएगा। एक एक वचन जो मैं आपको बताऊंगा उसको ध्यान से समझिए। ये लूका का चौथा अध्याय है और उसका मैं 33वां और 34वां वचन आपके लिए पढ़ूंगा, लूका 4:33-34। हालेलुया। यीशु मसीह आराधनालय में था, उसका बपतिस्मा हुआ, वो आराधनालय में आया और उपदेश देने लगा। वहां पर एक आदमी था जो एक बीमार था, हालेलुया, और उसको दुष्टात्मा थी। मैं आपके लिए पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा। आराधनालय में एक मनुष्य था जो एक अशुद्ध आत्मा से ग्रसित था। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया, कौन चिल्लाया? दुष्ट आत्मा। आदमी नहीं चिल्लाया क्योंकि उसके अंदर कौन था? दुष्ट आत्मा। वो ऊंची आवाज में चिल्लाया और हे नाजरत के यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यानी कि यहां पर यह वचन हमें बताता है कि जो दुष्ट आत्मा है वो जानती है कि वो कौन है, और वो ये भी जानती है कि तू हमें नष्ट करने क्यों आया है, क्यों आया है, तेरा अधिकार क्या है, तू परमेश्वर का पुत्र है। अब आप ये कहेंगे वो तो परमेश्वर का पुत्र है, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन अगर मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा उत्पत्ति में, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर ने वाचा बांधी थी, परमेश्वर ने बताया था कि शैतान की मृत्यु कैसे होगी, शैतान को कैसे बांधा जाएगा। हालेलुया, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो धरती में आपको बताऊंगा, लेकिन धरती पर किसका अधिकार है? शैतान का। इसलिए वो कह रहा है, चुनौती दे रहा है, वो चुनौती दे रहा है कि हे नाजरत के यीशु, हमें तुझसे क्या काम? क्या काम हमें तुझसे? अरे तो स्वर्ग का अधिकारी है, हम धरती के, धरती हमारी है, इस पर अधिकार हमारा है, हमें तुझसे क्या काम? प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि शैतान ने किस तरीके से इस धरती पर कब्जा किया हुआ है, और शैतान किस तरीके से हमारे भाई बहनों को भरमाता है। ये जिस दिन आप समझ लेंगे मेरे भाई, उस दिन हम एक अद्भुत और एक अद्भुत सामर्थ पाएंगे। हमें तुझसे क्या काम? हमें तुझसे क्या काम? तू हमें नष्ट करने आया है? मैं जानता हूं कि तू कौन है, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पवित्र जन है। जल्दी से एक हम मती का भी देख लेंगे वचन, इसमें एक अलग बात है। मती 8:29 में जब यीशु मसीह गिरसेनियों के देश में गए, हालेलुया, गिरसेनियों के प्रदेश में पहुंचा, वहां पर दो आदमी थे जिनके यहां दुष्ट आत्माएं थी, और यीशु मसीह वहां पर गए, और वहां पर देखिए जैसे वो गए और देखो उन्होंने चिल्ला कर कहा, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, जो उनके अंदर दो आदमी थे, उनके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी, उन्होंने चिल्ला कर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? यहां भी देखिए दुष्ट आत्मा क्या कहनी, हमारा तुझसे क्या काम, हमें तू नहीं चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये जानते हैं। अभी आगे क्या है, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू हमें समय से पहले यातना देने आया है? यानी कि दुष्ट आत्माओं को पता है कि उनका समय आने वाला है, शैतान को पता है कि उसका समय आने वाला है, लेकिन वो ये जानते हैं कि वो कब आने वाला है। वो कब आएगा? जब यीशु मसीह स्वर्ग से जमीन पर आएगा, जब वो गुप्त उसमें आएगा और हमें बादलों पे उठा के लेके जाएगा, उसके बाद जब 1000 साल के लिए हम लोग यहां पर आएंगे और यहां पर हम शासन करेंगे, उसके बाद 1000 साल के लिए शैतान को बांधा जाएगा। इसीलिए शैतान जो है ना मेरे भाई, वो उस समय को टालना चाहता है। इसलिए आज शैतान का क्या काम है? जो उसके चुने हुए हैं ना उनको वरगलाना, जो उस परमेश्वर के चुने हुए हैं ना उनको अविश्वास में लाना, जो परमेश्वर के चुने हुए हैं ना उनके अंदर वो अधिकार को यूज ना कर पाए, ऐसे वातावरण में उनको लेके आना, ऐसी स्थिति में उनको लेके आना, शैतान का ये काम है। क्योंकि शैतान हारा हुआ है। अगर आप कुलुसियों 2:15 पढ़ेंगे, अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, इसमें दोबारा आएंगे, कुलुसियों 2:15 अगर हम पढ़ेंगे, तो यीशु मसीह ने क्या किया था? जब उसने प्रधानों और अधिकारियों को उसके द्वारा निरस्त्र कर दिया,
तब उन पर विजय प्राप्त करके उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। किसने? यीशु मसीह ने। किसका? शैतान का। क्रूस पर जब यीशु मसीह ने बलिदान दिया, क्रूस पर क्या हुआ? क्रूस पर हमारे पाप क्षमा हुए। क्रूस पर क्या हुआ? परमेश्वर की धार्मिकता हमें मिली। क्रूस पर क्या हुआ कि शैतान का, उन अधिकारियों का जो अंधकार की शक्तियां लेके बैठी हुई जो तीसरे आकाश में है, उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यानी कि उनको उनको बिल्कुल बलहीन कर दिया, बलहीन कर दिया उन्हें, उनके अंदर कोई शक्ति नहीं रह गई। यानी कि शैतान की शक्ति खत्म है, शैतान कुछ नहीं कर सकता। उसके पास अभी एक ही शक्ति है कि वो मसीहों को, जो विश्वासी हैं, उनको धोखा दे। और धोखा कौन पाएगा? जिसके पास ज्ञान नहीं होगा, जिसके पास समझ नहीं होगी। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, जरूरी है कि हम इस वक्त उन वचनों को समझें और सही ज्ञान हासिल करें, सही ज्ञान। अगर आपके पास सही ज्ञान नहीं है तो शैतान आपको बेवकूफ बना सकता है, शैतान आपको धोखे में ला सकता है। शैतान आपके पास आपके अधिकार है और आप उसको यूज नहीं पा रहे, आप उसको यूज नहीं कर पा रहे। शैतान आपको इस तरीके से, इस रास्ते पर लेकर आएगा, ऐसी स्थिति में लेकर आएगा। आपके पास सब कुछ है, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पा रहे। कैसी दुविधा है, कैसी दुविधा है। यीशु मसीह ने अपने लहू से हमें शुद्ध किया, हमें माफ किया, हमें पवित्र किया, हमारे शापों से, पापों से हमें मुक्त किया, हमारी आत्मा को जिंदा किया, हमें नया मन दिया, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय डाल दिया, अपना मन दिया, हमें अपनी आत्मा दी। इतना सब कुछ हमारे पास है और उसने अधिकार दिए जो परमेश्वर ने आदम को दिए थे, वो अधिकार हमारे पास है यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में शैतान काम करता है। आपके जीवन में शैतान काम करता है। क्यों करता है? क्योंकि ज्ञान नहीं है, ज्ञान की कमी है। यहां पर वो क्या कह रहा है, देखिए 8 का 29 हम दोबारा पढ़ेंगे, मैथ्यू 8:29। हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू यहां हमें समय से पहले यातना देने आया है? सबसे पहले वो चुनौती दे रहा कि तू कौन है, हम जानते हैं कि तू कौन है, यहां पे लिया कि यहां पर क्यों आया और हमारा तुझसे क्या काम? तू समय से पहले हमें यातना देने के लिए आया है, यानी कि समय से पहले, उनका समय अभी नहीं आया। ही नोज, दे नोज कि उनका समय कब आने वाला है। शैतान बहुत चैप्टर है। फ्रेंड्स, और अगर हम उत्पत्ति में जाएं, क्यों ये वो कह रहा है कि हमारा समय नहीं आया? क्योंकि वो जानता है। अगर आप ध्यान दीजिए, यीशु मसीह जब पैदा हुए थे, अगर मैं आपको वहां से लेकर चलूं, आपको थोड़ा सा बताऊं, 30 साल तक उन्होंने एक मानव रूप का नॉर्मल जीवन जिया। 30 साल में उन्होंने बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा वाला आया, उसने इंट्रोड्यूस किया और यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया। यर्दन नदी में यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया, आकाश खुला और वहां से आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं प्रसन्न हूं। हालेलुया, क्या वाणी हुई? ये मेरा प्रिय पुत्र है और इससे मैं अति प्रसन्न हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वाणी उसने सुनी, किससे सुनी? शैतान ने। ध्यान दीजिएगा, जब यीशु मसीह मती और लूका 4 में, जब वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को रेगिस्तान में ले गया, जंगल में ले गया, ताकि शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हो। क्यों? ताकि आप देखेंगे कि यीशु मसीह ने अपने कोई ईश्वरीय सामर्थ्य का उपयोग नहीं किया। वहां पर 40 दिन उसने खाया नहीं, उसने पिया नहीं, वो भूखा रहा, वो प्यासा रहा, और उसके बाद शैतान आया उनकी परीक्षा करने के लिए। क्या परीक्षा करने के लिए? क्योंकि वो सुन चुका था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। लेकिन वो देखना चाहता था कि अपने अधिकारों का यूज कैसे करता है, कैसे करता है।
यहाँ पर आप ये समझने की बहुत जरूरत है, ये जो चौथा अध्याय है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां पर शैतान का इंट्रोडक्शन हो रहा है और यहां पर पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मनुष्य के रूप में, मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट कर रही है। यीशु मसीह उपवास किया उन्होंने शरीर का, जैसे एक नॉर्मल इंसान करता है। उन्होंने बताया कि मैं 40 दिन 40 रात तक 40 दिन और मैं खाऊंगा नहीं, मैं पीऊंगा नहीं। बहुत भाई बहन हमारे भी करते हैं, बहुत पास्टर्स को मैंने सुना है वो करते हैं, तो मैंने भी किया हुआ है। तो इसमें कोई वो उन्होंने किया एक मनुष्य के रूप में, लेकिन क्या किया, उन्होंने उपवास किया। अब जब वो शैतान आ रहा है, वो जानता है ये मनुष्य का पुत्र है, अब उसका देखिए यहां भी वो चेतावनी दे रहा है। यहां वो क्या कह रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल के रोटी बन जाए। यहां भी चेतावनी दे रहा है शैतान। वो क्या चाहता है, वो देखना चाहता है कि यीशु तो परमेश्वर का पुत्र है, अब ये कैसे उस अधिकार का उपयोग करता है। वो चाहता है कि वो ईश्वरीय सामर्थ को यूज करता है कि नहीं करता है। यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेविकाई में अगर आप देखेंगे तो अपने ईश्वरीय सामर्थ का उपयोग नहीं किया, पूरी सेविकाई में ईश्वरीय सामर्थ का यूज नहीं किया। 30 साल तक एक सामान्य जीवन जिया, 30 साल के बाद जब पवित्र आत्मा यीशु मसीह के अंदर आया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से उसने चिन्ह और चमत्कार करना शुरू किया। ईश्वरीय सामर्थ यूज नहीं किया परमेश्वर ने। इसलिए जब वो परीक्षा ले रहा था तो कह रहा था, वो देख रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि बोल रहा है, हालेलुया, ध्यान दीजिए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु मसीह को पवित्र आत्मा, यीशु मसीह मनुष्य के रूप में प्रकट थे, मनुष्य के रूप में वहां पर उन्होंने रिप्रेजेंट किया। वो प्रेजेंट कैसे हुए, मनुष्य के रूप में उन्होंने मनुष्य के रूप में बात की कि नहीं, लिखा है कि इंसान रोटी से ही नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों से जीवित रहेगा। फिर उसने कहा मेरे साथ मंदिर पर चल। वहां पर यीशु मसीह ने मना नहीं किया, वो इसके संग गए क्योंकि उस समय शैतान का अधिकार था। वो यीशु मसीह को लेकर जा रहा है, यरूशलेम लेके जा रहा है, मंदिर लेके जा रहा है, क्योंकि वहां पर शैतान के पास अधिकार था और यीशु मसीह उसके पीछे पीछे चल रहे थे जहां वो लेके जा रहा था। लेकिन एक मनुष्य के रूप में एक वो जो ज्ञान उनके अंदर था उस ज्ञान का उपयोग कर रहे थे। वो ऊपर से गिर जा, तुझे गिरेगा तो स्वर्गदूत आकर तुझे बचा लेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है, परमेश्वर की परीक्षा मत करना, लिखा है परमेश्वर की परीक्षा मत करना। तो इस पूरे दृष्टांत में, इस पूरे चौथे जो वचन है 1 से लेकर 10 या 11 तक, इस पूरे वचनों में हम देखेंगे कि शैतान उनको ये देख रहा है कि वो ईश्वरीय सामर्थ का उपयोग करता है कि नहीं करता है। मेरे पास अधिकार है, देखिए शैतान के पास अधिकार था, यीशु मसीह ने बता दिया। लूका 4 में बताया गया कि शैतान के पास अधिकार था, क्या कैसे, क्योंकि यीशु मसीह जहां शैतान यीशु मसीह को लेके जा रहा था वो जा रहा था, लेकिन यीशु मसीह बचा कैसे, उसके पास ज्ञान था, वचनों का ज्ञान। अगर हमारे पास वचनों का ज्ञान है मेरे भाई तो शैतान हमारा कुछ नहीं कर सकता। और अब तो शैतान के पास अधिकार भी नहीं है, वो अधिकार किसके पास है, हमारे पास है, यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के नाम से हम उसका उपयोग कर सकते हैं, हमारे पास वो अधिकार है। तो शैतान वहां पर देखता है यीशु मसीह को एक मनुष्य के रूप में और वो समझ नहीं पाया। हेलो, आपने एक चीज और नोट की, मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जैसे प्रेरितों के काम 2 का 4 में ऊपरी कोठरी पर जब 120 लोग थे, जब वो चेले इकट्ठे थे तब उन पर पवित्र आत्मा उतरा और बाइबल कहती है कि उनकी जीभ हिलने लगी, वो हिलने लगे और आग उनके ऊपर आ गई, आग उन पर आई और लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई कुछ तो हुआ है, वो हिल गया, बाइबल में लिखा हुआ वो स्थान हिल गया, ऐसा पवित्र आत्मा आया उनके ऊपर। यीशु मसीह के पास ऐसा नहीं आया, जब वो यर्दन नदी में थे, बपतिस्मा ले रहे थे, तो एक कबूतर पवित्र आत्मा के नाए आकर उनके कंधे पर बैठ गया आराम से। शैतान नहीं समझ पाया कि क्या हुआ है,
शैतान नहीं समझ पाया कि पवित्र आत्मा का सामर्थ्य उतरा है, उसने सिर्फ वाणी सुनी, उसको नहीं पता था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से यह सेविकाई करने वाला है। उसने परीक्षा की एक यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र की, वो नहीं जानता था वो कि परमेश्वर का जो पुत्र है वो मनुष्य का पुत्र बनकर आया है। क्यों मनुष्य का पुत्र बनकर आया है? क्योंकि उस अधिकार को जो मनुष्य का है उस अधिकार को यीशु मसीह यूज कर सके। हालेलुया। जो धरती पर पैदा होता है वो धरती का अधिकारी होता है, वो धरती पर अधिकार का उपयोग कर सकता है अगर आप धरती पर पैदा हुए। इसीलिए बाइबल कहती है हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। उसने हमें क्यों चुना है? ताकि वो हमारे द्वारा काम करे, हमारे द्वारा। जितने भी नबी हुए हैं जो धरती पर हुए हैं उनके द्वारा उसने काम किया, परमेश्वर ने उनके द्वारा काम किया, हम सहकर्मी हैं। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें परमेश्वर ने क्यों चुना, ताकि हम उस ताकि वो हमारे द्वारा काम करना चाहता है अभी भी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए जब परमेश्वर जब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था मनुष्य के रूप में वो जवाब देता रहा। लेकिन जैसे ही लूका 4:14 अगर आप पढ़ेंगे, लूका 4:14 जब पढ़ेंगे, तब यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील को लौटा और आसपास के प्रदेश में उसकी चर्चा फैल गई। वो उनके आराधनालयों में जाकर उपदेश देने लगा और सब उसकी प्रशंसा करने लगे। यहां से यीशु मसीह की सेविकाई शुरू हुई और वो चिन्ह चमत्कार करने लगा। कैसे? पवित्र आत्मा के सामर्थ से। जब वो चौथे अध्याय में गया था, चौथे का पहला आप देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से वो गया। लेकिन चौथे का 14 में जब आया तो पवित्र आत्मा के सामर्थ से परिपूर्ण था, पवित्र आत्मा के सामर्थ से भरा हुआ था। यीशु आत्मा की सामर्थ में गलील में आया और उसने चिन्ह चमत्कार किए। फिर उसने उस अधिकार का उपयोग किया जो यीशु मसीह का था, वो अधिकार लिया और उसने दुष्टात्मा को निकाला। लेकिन यह बात शैतान नहीं समझ सका, ये बात शैतान, इसलिए वो कहता तुम मुझे क्यों आए हो। इसलिए वो जो दुष्टात्माएं हैं वो कहती तू यहां क्यों आया, सबसे पहले हमें क्यों तू नष्ट करने आया है, हमें तो क्यों कष्ट दे रहा है, तेरा यहां क्या काम, हमें तुझसे क्या काम। वो नहीं समझ पा रहे थे और वो उसके अधिकार को चुनौती दे रही थी, चुनौती दे रहे थे दुष्ट आत्माएं यीशु के अधिकार को। लेकिन यीशु एक ही शब्द बोल रहा था, जाओ। उस गिरासेनियों में जब वो अशुद्ध आत्मा से ग्रसित आदमी था और जब वो कह रही थी हमें तुझसे क्या काम, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर का पुत्र है, हमें तुझसे क्या काम, यीशु मसीह ने कहा जाओ। वो सुअरों में चले गए। एक ही शब्द बहुत है, जाओ। हेलो, जाओ, निकलो। ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हमारे पास यीशु मसीह के नाम का सामर्थ है, हमारे पास पवित्र आत्मा का सामर्थ है। हमें ज्यादा चिल्लाने की, ज्यादा चीखने की, दुष्ट आत्माओं को निकालने की जरूरत नहीं है। हमें प्यार से बोलना जाओ। आजकल मैं देखता हूं फेसबुक में बहुत लोग चीखते चिल्लाते हैं, माफी चाहता हूं, मैं देखता हूं। नहीं मेरी बहन, नहीं मेरे भाई, वो सामर्थ है। हालेलुया। उस सामर्थ में शक्ति है। अगर मैं यहां पर हूं बॉम्बे में बैठा हुआ मैं प्रार्थना कर रहा हूं और मैं किसी बहन के लिए अमेरिका में प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर वहां उसे चंगा करेगा। और कई बार ऐसा हुआ है, कई बार ऐसी टेस्टमनीज हैं जो हुई हैं, जो मेरा प्रचार देखते हैं और फोन करते हैं। उनके एक हैं ब्रदर, उनका बेटा कनाडा में कहीं है और पैरालिटिक अटैक हुआ था उसे, बिल्कुल बोल नहीं सकता था, सुन नहीं सकता था, कोई रिएक्शन नहीं। पंजाब से उन्होंने मुझे फोन किया और उनके कान पर जो पंजाब में थे मैंने उनके लिए फोन किया और कनाडा में उनके बेटे को आशीष मिली और उसको चंगाई मिली, उसको समझ आनी शुरू। कौन करता है? परमेश्वर। तो वो सामर्थ्य परमेश्वर का है। हमें चीखने चिल्लाने से नहीं मिलता हमारा सामर्थ्य। हम चीखेंगे चिल्लाएंगे तो दुष्ट आत्मा भागेंगे, नहीं। वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य। वो यीशु मसीह ने क्या कहा अगर आप इसी का 8 पढ़ेंगे, एक शब्द उसने कहा, एक ही शब्द। मत्ती 8:29 अगर देखेंगे आप तो आप पाएंगे तो यीशु मसीह ने एक शब्द कहा, हालेलुया, जाओ।
अगर 31वां देखेंगे दुष्ट आत्माएं उससे ये कहकर विनती करने लगे कि यदि तो हमें निकालना चाहता तो हमें सोरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा जाओ, 32वां वचन जाओ, और कुछ नहीं कहा और वो चली गई। वो सामर्थ हमारे अंदर है, लेकिन क्यों चुनौती दे रही है दुष्ट आत्माएं? क्योंकि शैतान चाहता है कि वो देखे यीशु के सामर्थ, कि वो ईश्वरीय सामर्थ का उपयोग करते हैं कि नहीं करते हैं। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, यीशु मसीह ने अपनी पूरी सेविकाई में ईश्वरीय सामर्थ का, अपने ईश्वरत्व का कहीं भी उपयोग नहीं किया। वो मनुष्य के पुत्र के रूप में रहा। इसलिए इब्रानी 4:14 में लिखा हुआ है, वो हमारा एक ऐसा महायाजक है जो मनुष्य बन के रहा, हमारे जैसे कष्ट सहे, उसने पाप नहीं किया। वो मनुष्य के रूप में रहा और परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करता गया। वो पवित्र आत्मा जो उसके अंदर थी, वही पवित्र आत्मा हमारे अंदर है। मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं मेरे भाई, जो अधिकार यीशु मसीह के पास है वो अधिकार हमारे पास है। जो पवित्र आत्मा का सामर्थ यीशु मसीह के पास था, वो पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे पास है। जैसे उसने यूज किया था, जैसे उसको दुष्ट आत्मा चुनौती देती थी, उसी तरीके से हमें भी दुष्ट आत्माएं चुनौती देती हैं। हमें चुनौती कैसे देती हैं? हमें धोखे में डालती हैं, हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, हम अशांत हो जाते हैं, हम अपनी आशा खो देते हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास निकाल लेते हैं। इस तरीके से शैतान हमारे जीवन में खेलता है। क्यों? क्योंकि हमारा ज्ञान कम है मेरे भाई। बहुत जरूरी है कि हम अपने ज्ञान को और मुकम्मल करते जाएं, रोज बरोज हमारे ज्ञान, हमारी बुद्धि बढ़े, हमारी बुद्धि बढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसीलिए जब यीशु मसीह ने अपने चेलों को भेजा और अधिकार दिए, प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मती 10 पढ़ेंगे हम तो हमें पता चलेगा, मती 10 पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा। तो देखिए, हालेलुया, कि उसने चेलों को अधिकार दिए। पहला, तब यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि वो उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारी तथा सब प्रकार की दुर्बलता को चंगा करे। हालेलुया, क्या अधिकार दिया? दुर्बलताओं को चंगा करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है तभी आपकी दुर्बलता होती है, जब दुष्ट आत्माएं आपके अंदर है तब आपके अंदर बीमारी आती है। उसने अधिकार दिया कि आप दुष्ट आत्माओं को निकालें। दुष्ट आत्माएं हैं जो आपको उकसाती हैं कि आप आप सुसाइड कर लें। आपको पता है दुष्ट आत्मा सुसाइड की दुष्ट आत्मा होती है, व्यभिचार की दुष्ट आत्मा होती है, झगड़ालू दुष्ट आत्मा होती है, झगड़ालू दुष्ट आत्मा। आप नहीं जानते दुष्ट आत्माएं कितने तरीके की होती हैं। आपके अंदर लालच पैदा कर देगी दुष्ट आत्मा, आलस की दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर आलस ले आएगी, नींद की दुष्ट आत्मा जो आपको नींद ही आती रहेगी, भूख की दुष्ट आत्मा। आपको पता है भूख की दुष्ट आत्मा जो आपके अंदर भूखी भूख पैदा करेगी, आप खाते रहेंगे। मैं एक ऐसे परिवार को जानता हूं, मुझे बहुत दुख होता था। हमारे चर्च में आते थे, वो पैसा कमाता था परिवार, लेकिन उस परिवार का बच्चा, उस परिवार के जो पति पत्नी हैं, इतना खाना उनके यहाँ बनता था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो जितना कमाता था उतना खाता था। एक एक दिन में, जहां तक मुझे याद आ रहा है, 1.5 किलो आटा, 2 किलो आटा, 4 लोग, 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 4 लोग, दिन में 5 टाइम वो लोग खाते थे। सुबह 6 बजे उठते थे, 4-4 रोटियां, फिर 9 से 10 बजे जब बच्चे ट्यूशन जाते थे तब रोटियां, फिर 12 बजे आते थे फिर रोटी, फिर 4-5 बजे फिर रोटी, फिर रात को 10 बजे फिर रोटी। मतलब मैंने उनको बताया था कि जिस तरह भूख की दुष्ट आत्मा, आपको इतनी भूख लगेगी कि आप कहेंगे, आप कहेंगे अच्छा भाई मुझे तो अच्छा लग रहा है, भूख में ज्यादा लग रहा है। अरे भाई, आपका जितना बचत है, आपको जितना आशीष आ रहा, खा ही रहे। शरीर को जितना चाहिए उतना ही खाना चाहिए,
ज्यादा खाने से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा ये नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर ऐसी दुष्टात्मा है जो आपको भूख लगा रही है तो वो गलत है। यानी कि शैतान आपकी सेविंग नहीं कर रही है, शैतान नहीं चाहता है कि आप स्वस्थ रहे, उससे और बीमार पड़ जाएंगे आप, आपका शरीर बेगौल हो जाएगा, आपको आलस आ जाएगा, आप कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आपके अंदर लालच हमेशा रहेगी कुछ खाने की, कहीं जाएंगे लालच रहेगी कुछ खाना मिल जाए, लालच रहेगी आपके अंदर, क्योंकि आपके अंदर भूख लग रही है। प्रेज़ द लॉर्ड, ये सब दुष्टात्माएं हैं जो आपको प्रभु से दूर करती हैं। प्रार्थना नहीं करने की दुष्टात्माएं आपको गलत आपके सपने लेकर आएंगे, आप सोएंगे दुष्टात्मा आपको गलत सपने लेकर आएंगे, गंदे सपने लेकर आएंगे, जानवरों के सपने लेके आएंगी, सांप के सपने लेके आएंगी, मरे हुए आदमी के सपने लेकर आएंगे, और आप बेचैन हो जाएंगे, अशुद्धता लेकर आएंगे आपके अंदर, अशुद्धता, अशुद्ध चीज को देखने के लिए आपका मन करेगा, अशुद्ध काम करने के लिए आपको मजा आएगा। ये दुष्टात्माएं हैं, इसलिए ये दुष्टात्माएं ऐसी हैं कि वो इंसान को, वो विश्वासी को, वो मसीह को परमेश्वर के वचन पे चलने ना दे और परमेश्वर से दूर कर दे। यीशु मसीह के साथ उसने चुनौती दी, उसने उसे अधिकार को चुनौती दी, हमारे और आपके साथ क्या हो सकता है? जब भी ऐसा कोई भावना आए, मैं आपको बताऊं, आपको तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, नोट कर लीजिए, जब भी आपके अंदर आलस की भावना आए, जब भी आपके अंदर ऐसी दुष्टात्मा आए जो आपके अंदर लालच पैदा करे, जब भी आपके अंदर ऐसी दुष्टात्माएं जो आपके अंदर गलत भावना लेकर आए, जब भी आपके अंदर ऐसी दुष्टात्माएं जो आपको गलत सपने दिखाए, जब भी आपके अंदर ऐसी दुष्टात्मा आए जो आपको धोखा देने की भावना लेकर आए, मोह लेने की भावना लेकर आए, व्यभिचार की भावना लेकर आए, आप अधिकार से उसको निकालिए। कैसे, मैं आपको बताता हूं, दूसरा क्रंथियन 10:5, हालेलुया, दूसरा क्रंथियन 10:5, हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं। हमारे जीवन में जो भी विचार परमेश्वर के विरुद्ध उठते हैं, जो भी भावनाएं परमेश्वर के विरुद्ध उठती हैं, वो क्या कहता, चौथा से पढ़ूंगा आपके लिए, चौथा से, तो चौथा पांचवा, दूसरा क्रंथियन 10:4-5, क्योंकि हमारे युद्ध के हथियार शारीरिक नहीं परंतु गणों को ध्वस्त करने के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य परिपूर्ण है। हम परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध उठने वाली कल्पनाओं और प्रत्येक अवरोध का खंडन करते हैं और प्रत्येक विचार को बंदी बनाकर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यह अधिकार है हमारे पास। कोई गलत भावना आती है, कोई दुष्टात्मा आ रही है, आपको परेशान कर रही है, आपको गलत तरीके से लेके जा रही है, आपका माइंड कहीं डाइवर्ट कर रही है, कोई गलत विचार आपके अंदर आ रहा है, गंदी भावना आ रही है आपके अंदर, उसको यीशु मसीह के नाम से यीशु मसीह का गुलाम बना दीजिए। ऐ दुष्टात्मा, मैं तुझे यीशु मसीह का गुलाम बनाती हूं। आपके पास अधिकार है उस भावना को निकालने का। कई बार क्या इंसान क्या सोचता है कि हम किसी आदमी को तो निकाल देंगे, किसी जानवर को निकाल देंगे, लेकिन भावना को निकाले हम? भावना कैसे निकलेगी मेरे भाई? दुष्ट आत्मा भावना के रूप में अंदर आती है, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आपके मनों पर कब्जा कर लेती है। भावना के रूप में आई, पाप अंदर लिया, जैसे आपने फेसबुक पर देखी, कोई गलत फिल्म देखी, कोई गलत आपने आपका चित्र देख लिया, वो बस गया। अब वो जो चित्र बस गया है वो आपके अंदर प्रकट होने के लिए आपके अंदर लालसा लाता है। कौन? शैतान। जो दुष्टात्मा है वो आपके अंदर लालसा पैदा करती है कि आपने जो देखा है, जो आपके अंदर आ चुका है, जो भावना आपके अंदर आ चुकी है, अब वो आप उसको अपने द्वारा प्रकट करें, अपने शरीर के द्वारा प्रकट करें, अपने जीवन में उसको लेकर आए। अगर आप उसे नहीं निकालेंगे, इसलिए जैसे ही आए, बहुत से भाई मुझे फोन करते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम उपवास नहीं कर पा रहे, हम आपको बाइबल नहीं पढ़ पा रहे। मेरे भाई, होगा,
अरे उन दुष्ट आत्माओं ने जब यीशु मसीह के अधिकार को चुनौती दी तो मैं और आप क्या हैं? इसलिए तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं इस विचार को, इस सब्जेक्ट को, इस विषय को आप तक पहुंचाऊं ताकि आप उन अधिकारों को अच्छी तरीके से समझ लें। आप समझ लें कि वो क्यों चुनौती दे रहा है, दुष्ट आत्मा क्यों चुनौती दे रही है। उनका समय पूरा होने वाला है, इसलिए क्योंकि वो क्यों कर रही है आपके जीवन में, वो काम क्यों कर रहे हैं, आपको पता वो क्यों कर रही है? क्योंकि उसको पता है कि आप चुने हुए, दुष्ट आत्माओं को पता है कि आप चुने हुए, उसको पता है कि परमेश्वर अपने चुने हुओं को यहां पर लेने आया है। यीशु मसीह को के द्वारा उसने अपने चुने हुओं को एक संख्या है जिसको पूरा करने वाला है। दुष्ट आत्मा क्या कर रही है कि उसकी संख्या को पूरा नहीं होने दे रही है। वो आपको, आप जितना आगे आते हैं उतना पीछे चले जाते हैं, आप दो कदम आते हैं चार कदम पीछे चले जाते हैं। यीशु मसीह आपसे, परमेश्वर आपसे, आप सब काम कराना चाहता है, आप नहीं कर पाते, आपके अंदर विश्वास ही नहीं है। आप कहते हैं मैं नहीं कर पाऊंगा, क्यों? क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपको अंधकार में लेके जाती हैं, अविश्वास आपके विश्वास को खत्म कर देती है। परमेश्वर आपके द्वारा, देखिए आदम को परमेश्वर ने क्यों अधिकार दिया था, अगर आप उत्पत्ति 1:28 देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैं आपके लिए अगर पढ़ूंगा तो उसमें लिखा हुआ है, उत्पत्ति 1:28 अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और उनसे कहा फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसने उसे अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश की पक्षियों और पृथ्वी पर चलने फिरने वाले प्रत्येक जीव जंतु पर अधिकार रखो। आदम को अधिकार क्यों दिया था पृथ्वी पर, पता है आपको? आदम पृथ्वी पर अधिकार रखेगा और परमेश्वर आदम पर, पृथ्वी पर जो, इसीलिए अगर आपको याद है, इसीलिए परमेश्वर आदम के पास जानवरों को लेके आया था कि तुम इसके नाम रखो। हेलो, याद है आपको? क्योंकि वो पृथ्वी के जानवर थे, किसको बुलाना था? आदम को बुलाना था, ए हाथी इधर आ, ए बंदर इधर आ, ए मगरमच्छ इधर आ। इसलिए आदम ने रखे उनके नाम, आदम से उसके नाम रखवाया परमेश्वर ने, क्योंकि पृथ्वी पर अधिकार किसका था? आदम का। और आदम पर किसका अधिकार था? परमेश्वर का। यानी कि पृथ्वी को संभालना है तो आदम को संभालना है, लेकिन परमेश्वर के आशीष के द्वारा, परमेश्वर की कृपा के द्वारा, परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा। इसलिए उसने आदम को चुना था कि पृथ्वी पर तेरा अधिकार होगा तो उसमें बसना कर, लेकिन तुझ पर मेरा अधिकार होगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ? आदम ने फल खाया, पाप किया, और वो अधिकार जो परमेश्वर ने आदम को दिया था वो अधिकार किसने ले लिया? शैतान ने ले लिया। अब शैतान पर परमेश्वर का अधिकार नहीं, आदम के ऊपर उसका अधिकार था, क्योंकि वो जो करेगा उसका उस पर जो हक है, उस पर जो अधिकार है वो परमेश्वर का था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मेरे भाई, जो अधिकार शैतान ने आदम से ले लिया था उस अधिकार का उपयोग कर वो पृथ्वी में बसे हुए लोगों को वरगला रहा था, उसमें पाप डाल रहा था, और आहिस्ता आहिस्ता उसने इतना पाप किया कि पूरी धरती पाप से भर गई, पूरी धरती पाप से भर गई। इसलिए यीशु कहता है यूहन्ना 10 में कि द्वार मैं हूं। आप इसका मतलब समझते? देखिए मैं आपको समझाता हूं, यूहन्ना 10 अगर मैं आपके लिए पढ़ूं, ध्यान से समझिए, आज का विषय बहुत अच्छा है अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप ध्यान से समझेंगे ये विषय आपको बहुत आशीष देगा। यूहन्ना 10, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो जो द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु दूसरी ओर से चढ़ जाता है वो चोर है और डाकू है, परंतु जो द्वार से प्रवेश करता है वो भेड़ों का चरवा है। द्वार मैं हूं। द्वार से कैसे? अब आप समझेंगे किस द्वार की बात हो रही है। धरती पर
यीशु मसीह द्वार के द्वारा आए, यानी कि यीशु मसीह ने मरियम के द्वारा जन्म लिया। आप समझे द्वार? यीशु मसीह द्वार के द्वारा आए। द्वार कौन है? यीशु है, लेकिन यीशु मसीह द्वार के द्वारा आए। शैतान द्वार के द्वारा नहीं आया। शैतान धरती पर कैसे काम करता है? आपके शरीर में आकर, उसके शरीर में आकर, इसके शरीर में आकर। वो चोरी से आता है, इसलिए वो चोर है। यीशु मसीह द्वार के द्वारा आया, मरियम के द्वारा उन्होंने पैदा किया, यानी कि धरती पर पैदा होने के लिए जो नियत है, जो नियम है, उसका उन्होंने उपयोग किया। और यीशु मसीह धरती पर मनुष्य के रूप में रहे, लेकिन द्वार के द्वारा। लेकिन शैतान क्या है? इसका अगर आप 9-10 पढ़ेंगे, 11 तो मैं आपके लिए पढ़ूंगा 10:9, यूहन्ना 10:9-11। द्वार मैं हूं, यदि कोई मेरे द्वारा प्रवेश करता है तो वह उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। भीतर बाहर आने जाने का मतलब क्या है? आप परमेश्वर के मन को जानेंगे। भीतर आया जाया करेंगे, आप परमेश्वर के भीतर आ जा सकते हैं। यानी कि इसलिए परमेश्वर ने आपको क्या कहा है? मंदिर कहा है। आप कौन है? परमेश्वर के मंदिर है। आप कौन है? परमेश्वर के मंदिर। इसलिए वो कहता है कि भीतर आया जाया करेगा। 10 जो बहुत ही फेमस वचन है, सब लोग पढ़ते हैं, चोर केवल चोरी करने, मार डालने और नाश करने को आता है, मैं इसलिए आया हूं कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। चोर कौन? शैतान। कहां से आया? द्वार से नहीं आया। वह एक स्प्रिट में, वो किसी ना किसी के शरीर में आ गया, पैदा नहीं हुआ। वो यीशु मसीह धरती पर पैदा हुए, इसलिए वो अधिकार उनके पास है। आदम का अधिकार यीशु मसीह कैसे ले पाए? क्योंकि उन्होंने धरती पर अपना, धरती पर उन्होंने जन्म लिया। इसलिए जब उन्होंने कहा था यूहन्ना, अगर आप उत्पत्ति 3:15 पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जब इन्होंने फल खाया और हवा ने और आदम ने और परमेश्वर ने उनको श्राप दिया, तो क्या किया? 15 में उसने क्या कहा? 3:15, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। यानी कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। तेरा वंश दुष्टात्माएं, इसका वंश स्त्री का वंश, जोसेफ का वंश नहीं, इनका वंश नहीं, जो मरियम और जोसेफ का, यानी कि इनका वंश। वो क्या कह रहा? इसका वंश, यानी कि स्त्री का वंश, जो कि जोसेफ से नहीं आया, पवित्र आत्मा से आया, जोसेफ से नहीं आया। ध्यान दीजिए, स्त्री का वंश। हालेलुया। तेरे वंश और इसके वंश, इनके वंश नहीं कहा उसने, इसके वंश के बीच बैर उत्पन्न करूंगा और वो तेरे सर को कुचलेगा। सर को कुचलेगा यानी कि वो तेरी योजनाओं को नष्ट करेगा। और यही किया यीशु मसीह ने, धरती पर आकर क्या किया? शैतान के कामों को प्रकट करना शुरू किया, दुष्ट आत्माओं को निकालना शुरू किया, बताना शुरू किया कि दुष्ट आत्माओं की वजह से पाप है, दुष्ट आत्माओं की वजह से बीमारियां हैं, दुष्ट आत्माओं की वजह से। इसलिए दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह को चुनौती देती थी। और इसीलिए यहां पर उसने क्या कि इसने, इसीलिए वो जानता था परमेश्वर, इसलिए वो जानता था शैतान कि परमेश्वर नहीं आ सकता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि ये जो मनुष्य है ये तुझे मारेगा। इसलिए वो यीशु मसीह की परीक्षा ले रहा था कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल, ये रोटी बन जाए। वो देखना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है स्त्री के, जो मनुष्य का पुत्र है वो तुझे मारेगा। वो देखना चाहता था कि उसमें कितनी शक्ति है, उसमें कौन सा सामर्थ है, वो कैसे मारेगा? ईश्वरीय सामर्थ से मारेगा, अपने से मारेगा, कैसे मारेगा? इसलिए वो उसकी परीक्षा कर रहा था। हेलो, इसलिए वो उसकी परीक्षा कर रहा था, शैतान यीशु मसीह की जांच रहा था कि मैं जो पूछ रहा हूं ये कैसे जाता है। और यीशु मसीह वचन के द्वारा और मनुष्य बनकर जवाब दे रहे थे। इसलिए अपनी पूरी सेविकाई में यीशु मसीह ने ईश्वरत्व को यूज नहीं किया, अपने ईश्वर, यहां तक कि जब उन्हें स्वर्ग का अधिकार मिल गया था,
अगर आप योहन्ना 13 पढ़ेंगे तब आपको पढ़ेंगे तो उस समय जब उन्होंने चेलों के पैर धोए उस समय तक उनको स्वर्ग का अधिकार मिल गया था, स्वर्ग पृथ्वी का अधिकार मिल गया था, उस पर भी उन्होंने ईश्वर को कोई यूज नहीं किया, वो मानव की तरह मरे, कष्ट सा दुख सा, और शैतान को क्रूस पर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, मार दिया, खत्म, मतलब उसका बल खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं कि जो शैतान यीशु मसीह को चुनौती देता है उसके अधिकारों को, इसलिए हमारे और आपके अधिकारों को चुनौती ना दे, इसलिए सही ज्ञान को हासिल करिए मेरी बहन मेरे भाई, दिमाग लगाइए। आप जो मेरे वचन सुनते हैं उसके बाद उसको बाइबल में देखिए, मनन करिए, पवित्र आत्मा से मांगिए ताकि मैं उन वचनों को समझ सकूं। यूं ही सुनने से कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप सुनिए और उसको मनन करिए, तब आप उन अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, तब आप शैतान और दुष्टात्माओं की धमकियों को समझ सकते हैं कि वो धमकी दे रहा है, वो हमारे अधिकार को चुनौती दे रहा है, तब आप समझ सकते हो यहां पर शैतान हमको चुनौती दे रहा है, अब हम उसको चुनौती का जवाब देंगे। अब हम इस वचन के अनुसार अब हम यीशु मसीह के इस अधिकार को यूज करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। मैं सच कह रहा हूं परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है, इसलिए दुष्टात्माएं जो यीशु मसीह के अधिकारों को चुनौती देती थी वो आपके अधिकार को भी चुनौती देती हैं। उसका तरीका अलग है जैसे मैंने आपको बताया है, उसको समझिए और उन अधिकारों को जो आपके पास है उनका यूज करिए और दुष्टात्माओं को अपने जीवन से निकालिए यीशु मसीह के नाम से। जिसे किसी ने अगर शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करिए, परमेश्वर आपको आशीष देगा, कोई और भाई बहन जुड़ेगा। तो आज का हमारा वचन यहीं खत्म होता है, अगला हम मिलेंगे फ्राइडे को और एक नए आशीषित वचन के संग मिलेंगे, और लोग भी जुड़िए, अपने भाई बहनों से कहिए और आशीष पाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। ये प्रीचिंग आपको यूट्यूब में भी मिलेगी कुछ दिनों के बाद, आप प्रभु का आशीष आपको मिले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है परमेश्वर। जिस तरीके से दुष्टात्माएं यीशु मसीह के अधिकारों को चुनौती देती थी परमेश्वर, हमें ज्ञान दे, बुद्धि दे, ताकि हमारे भाई बहन परमेश्वर उस चुनौती को समझ सकें, दुष्टात्माओं की चुनौतियों को, शैतान की चुनौतियों को समझ सकें और उन अधिकारों को उपयोग कर सकें जो यीशु मसीह में हमारे पास हैं, ताकि हम उन अधिकारों के द्वारा अपने जीवन से दुष्टात्माओं को, शैतान को निकाल सकें और परमेश्वर में अपना जीवन जो कि परमेश्वर ने हमको दिया उसको जिए और परमेश्वर की महिमा करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, धन्यवाद। देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं, अगर कोई बीमार है उसके लिए चंगाई मांगते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं, प्रार्थना आपने सुनने कबूल की है। मैं गॉड ब्लेस यू मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, मैं सच कह रहा हूँ यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है, लेकिन अगर कहीं आपके मन में आशा निराशा है, कहीं आपका उत्साह कम हो रहा है, कहीं आपको लगता है कि नहीं मैं यूजफुल नहीं हूं, मुझे नहीं चुना है, तो नहीं मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु यीशु आपके लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, इस बात को कभी मत भूलिए और अंगीकार करिए कि यीशु मसीह मेरा है, यीशु मसीह मेरे लिए मरा, अंगीकार करिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, अंगीकार, इस अंगीकार में शक्ति है। जब आप ये अंगीकार करेंगे ना कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और मर के जिंदा हो गया, आप देखिए आपको एक अद्भुत शक्ति का एहसास होगा। अगर आप लिख सकते हैं तो अभी लिखिए कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा और जिंदा हो गया, यीशु मसीह मेरा है, ये अंगीकार करते रहिए रोज। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, फ्राइडे को हम लोग मिलेंगे शाम को 7 बजे, प्रार्थना में रहिए और मेरे लिए भी प्रार्थना करिए। गॉड ब्लेस यू।